कांग्रेस की ओर से, कांग्रेस शहर कांग्रेस की ओर से हमने निवेदन दिया, उसमें महिला कांग्रेस के अध्यक्ष दीपाली निसार, माजी कांग्रेस के अध्यक्ष हरम डॉक्टर पवन डोंगरे, सरताज पठान, दीपक के अध्यक्ष शेख आधर और जितने और मंडल के हमारे मालासोरी मंडल के अध्यक्ष शहर अध्यक्ष और शिंदे और जिला अध्यक्ष, तो सब लोगों ने हमारे मोहम्मद पैगंबर के बारे में जो रामगिरी महाराज ने जो बोला है उस महाराज को अटक करके एनएसआई के अंदर डालना चाहिए, हमारी ऐसी कांग्रेस की डिमांड है। हमारे नेतृत्व में सब मंडल के पूरे अध्यक्ष जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता वो दुखी है और मेन सब हर समाज का कार्यकर्ता दुखी है। तो तुम देख सकते डॉक्टर पवन डोंगरे उसके रूप में मिसाली मिसाल और शिंदे और मांगसवर्गी के जो अध्यक्ष है कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश कृष्णा भंडारे कि हर समाज का आदमी तुमको अगर दिखाऊंगा कि भाई एक समाज के निवेदन बहुत आए पर इसमें हमारे कांग्रेस के इसमें हर समाज का आदमी है। हर समाज के आदमी को दुख हुआ कि पैगंबर के बारे में जो हमारे महाराष्ट्र की संस्कृति है मिली जुली गंगा जमनी संस्कृति को खराब करने का काम ये महाराज ने किया है, इसलिए महाराज को राष्ट्रीय सुरक्षा कायदे के अंदर अंतर कर लिए ऐसे हमारे मांग है। बीच में एक सवाल भी उठा था संसद में कि एक ऐसा बिल पास किया जाए किसी भी महापुरुष के बारे में अगर भद्दी टिप्पणी की जाती है तो उसको सीधा उम्र कैद होना चाहिए, इसके ऊपर कांग्रेस जोर क्यों नहीं देगी? ये देखिए ये हिंदुस्तान के अंदर सिंह साहब के टाइम में 47 की जो भी मस्जिद है दरगाह है मंदिर है उसके बारे में कुछ नहीं करना चाहिए, फिर भी बीजेपी करते रह रही है हिंदुस्तान। ये बिल पास होने से नहीं, दिल पास होना, दिल मिलना चाहिए। बिल पास होगा और दिल पास नहीं हुआ तो कोई एक आदमी आता महाराज बोल देता पूरे हिंदुस्तान का माहौल ख़राब करता और वो अंदर जाता है घंटा दो घंटे के वास्ते तीन घंटे के वास्ते। जो भारतीय कानून के अंदर जो काम है उतना काम पुलिस का काम करती है, ये गवर्नमेंट अच्छी रहना चाहिए। गवर्नमेंट ने जो भी अगर थोड़ा कोई महाराज या और शहर का वातावरण खराब हो तो कलेक्टर और SP को जवाबदार पकड़ के उसके लिए करना चाहिए, तो अभी भी पूरी शांतता रहती है सबसे। विधानसभा इलेक्शन महाराष्ट्र में बहुत करीब आ चुके हैं, आपको लगता है कि ये इलेक्शन स्टैंड हो सकता है? इलेक्शन स्टैंड ही है 100% इलेक्शन स्टैंड है, नहीं तो कोई सरला बेट का इसके पहले का जो महाराष्ट्र था हिंदू मुसलमान सब लोग जाते थे अदर से। मुख्यमंत्री कल उनके समर्थन में कहा कि उनको कुछ होने नहीं देंगे, करा सकता है नहीं, ये तो चलने वाला है। समर्थन में क्या है, कोई लोग बोलेंगे और दूसरे समाज के लोग बोलेंगे होने दीजिए, कांग्रेस है ऐसी पार्टी गंगा जमने वाले सब पूरे समाज के लोग एक तुम ये आप लोगों को मीडिया के लोग है तो अनेक शिष्टमंडल तुमको मिले होंगे एक समाज के एक जात के, और ये शिष्टमंडल पूरे समाज के और पूरे जात का लोगों को प्रतिनिधित्व करता है कांग्रेस है। गंगा जमनी संस्कृति वाली कांग्रेस है, हर समाज का आदमी इसमें है। हमने यूपी में और बिहार में देखा है तो जातिवाद से राजनीति होती है, क्या महाराष्ट्र में भी इसकी शुरुआत हो रही है ऐसा लगता है? महाराष्ट्र के लोग जो है बिल्कुल नहीं करेंगे, महात्मा फुले शव अम्बेडकर का महाराष्ट्र है, यहाँ जो है पूरे जो लोग है वो साधु संत जो बड़े बड़े उलमा है बड़े बड़े जर्जरी भक्त है जो बड़े बड़े ये है ओली है, ये ओली को मानने वाले पूरे हिंदू समाज है और हर समाज जो मानता है, तो ये महाराष्ट्र में तो नहीं हो सकता है। अंदर कमिश्नर साहब से आपकी क्या बातचीत हुई? अंदर वही बोले कि हम शहर का लॉ ऑर्डर तुम संभालो, हम पूरे कड़ी नजर है हमारी इसकी, जो भी समाज का आदमी अगर कोई बदमाशी कर रहा है तो मैं उसको बोलो उसके ऊपर कार्रवाई करूँगा। पूरे 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं अभी तक महाराज को अटक नहीं किया गया है, महाराष्ट्र के ऊपर गुना दाखिल हो जा रहा है ऐसा मेरी मालूम के लिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कमिश्नर को निवेदन दिया गया जो महाराज है जिन्होंने भद्दी टिप्पणी की है उनके बारे में आप क्या कहेंगे? इस मुल्क का आईन कोई भी धर्मगुरु को किसी भी धर्म के खिलाफ बोलने की कोई इजाज़त नहीं देता, तो जो भी महाराज ने इस तरीके का वक्तव्य किया हुआ है वो इस संविधान के खिलाफ है और ऐसी संविधान के खिलाफ वाली जो शक्तियां हैं जिनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं जो दो समाज में खेल निर्माण करने का काम करते हैं और इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब जो हिंदू मुस्लिम एकता का जो गहवारा है उसको खराब करने का जो काम करते हैं, ऐसे लोगों को कड़क से कड़क शासन होना चाहिए, ऐसी हमारी कांग्रेस पार्टी की मांग है। फिर वो कोई भी समाज का हो, किसी समाज के खिलाफ उसने अगर कोई वक्तव्य किया है तो उसके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई होना चाहिए, अगर वो कार्रवाई नहीं होती है तो लोकशाही मार्ग से कांग्रेस पार्टी इस शहर में रियासत में और मुल्क भर में आंदोलन करें। आपके जो लीडर है राहुल गांधी वो विरोधी पक्ष नेता है पूरे देश के, तो हमें ये बताइए उनसे कुछ इस बारे में डिस्कस हुई संसद में आवाज़ उठाने वाले हैं? राहुल जी गांधी जो हमारे देश के नेता है और इस लोकसभा के विरोधी पक्ष नेता है, हम लोग
तमाम जो भी हमारे निवेदन है ये उनको हम भेज रहे हैं। और इसके ऊपर लोकसभा में और राज्यसभा में जो हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है राज्यसभा के विपक्ष नेता, उनको भी हम ये चीज़ भेज रहे हैं, ज़रूर इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि राहुल जी इस मुल्क के अंदर एक मोहब्बत का पैगाम लेकर चल रहे हैं, जो समाजों के अंदर तेढ़ निर्माण करने वाली शक्तियों को राहुल जी इस मुल्क से और इस मुल्क के तमाम जितने भी लोग रहने वाले हैं उनको एक शांति का पैगाम देने का काम कर रहे हैं। निवेदन तो सभी पार्टियां दे रही है, लेकिन अल्टीमेट कोई नहीं दे रहा है कि बाबा को अगर गिरफ्तार नहीं करेंगे 24 घंटे में या 12 घंटे में तो हम तीव्र आंदोलन का जो है तो इशारा देते हैं। मैंने आपको अभी इससे पहले यही बताया कि नहीं, अल्टीमेट दीजिए ना कि घंटे घंटे का अल्टीमेट जो निवेदन दिए है। उसके बाद में लोकशाही मार्ग से इस शहर में, इस रियासत में और देश भर में हम लोग इसके खिलाफ जो आंदोलन है ज़रूर हम करेंगे। और हमको कानून के ऊपर और इस संविधान के ऊपर पूरा भरोसा है, ज़रूर इसके ऊपर कार्रवाई होगी। और आने वाले वक्त में इस तरीके के जो भी स्टेटमेंट्स हैं ये ऐसे लोग ज़रूर नहीं देने का काम करेंगे, इतना हमको भरोसा है इसके ऊपर। जिस तरीके से कल रामगिरी महाराज ने अपना वक्तव्य स्पष्ट किया है, ये इस बात की गवाही देता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव जो महाराष्ट्र में हो रहे हैं उस चुनाव तक वातावरण, धार्मिक वातावरण खराब करने की स्थिति निर्माण की जा रही है। इसके पीछे जिनका भी हाथ हो उनका हम जाहिर निषेध करते हैं और महाराज को जल्द से जल्द अटक किया जाए, वरना कांग्रेस कमेटी, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में देश में विभिन्न जाति धर्म के हम लोग एक साथ रहते हैं, बड़ी प्यार से आदर सम्मान से हम सब लोग यहाँ पे रहते हैं। लेकिन कुछ लोग जो राजनीति के हेतु पुरस्कार इस तरीके की जब वक्तव्य करते हैं और तब जब प्रबोधन करने का काम महाराज जी का है, लेकिन वो जिस तरीके के धार्मिक टेढ़ इस महाराष्ट्र में निर्माण कर रहे हैं, ये चुनाव के लिए हिंदू और मुस्लिम में फिर से कुछ तो भी आबादी फैलना और दंगल, ये सारे चीज़ों से वाकिफ ये स्टेटमेंट मुझे लगता है। मैं महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये करना चाहूँगी, जाहिर करना चाहूँगी कि अगर महाराज को 24 घंटे में अटैक नहीं किया जाएगा तो महिला कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस कमेटी इस शहर में तीव्र आंदोलन निषेध करेंगे। क्योंकि कोई भी समाज के महाराज को, कोई भी समाज के संत को, चाहे वो दलित से हो, मुस्लिम से हो या फिर हमारे हिंदू भाइयों से हो, किसी को भी किसी के धार्मिक ट्रेक निर्माण करने की कोई भी अथॉरिटी नहीं है। हम उस देश से बिलोंग करते हैं जहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वी आर द पीपल ऑफ इंडिया का एक जाहिर नामा हुआ है। हम इस देश के सब वासी है, हम इस देश का एक परिवार है और हमारे परिवार में कोई जाति भेद इस तरीके के सामाजिक मुद्दे को लेकर किसी को भी हर्ट नहीं किया जाएगा, ये मैं मानता हूँ। जैसे आप बता रहे हैं कि ये एक राजनीतिक मुद्दा बनाने में लगे हैं, तो कौन सी पार्टी इसके पीछे होगी? देखिए, आपने देखा है कि भारत स्वतंत्र पूर्व हमने देखा है जिस तरीके के तोड़ो और राज्य करना है जो भूमिका अंग्रेजों की थी, वही भूमिका आज भाजपा सरकार केंद्र में बैठ के, राज्य में बैठ के इस देश को चला रही है। और मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ, इस देश को मालूम है, जब भी इलेक्शन आते हैं, खासतौर पे महाराष्ट्र में जब भी इलेक्शन आते हैं तब इस तरीके के प्रकार यहाँ पे होते हैं। जैसे कि कल महाराज जी ने इलेक्शन आने के पहले महाराज जी को कैसे सोचा कि क्या बात करनी है। और कुछ लोग हैं जो, मैं ऐसा नहीं बोलती कुछ हिंदू है या मुस्लिम है, कुछ ऐसे लोग हैं जो माहौल इस महाराष्ट्र का ख़राब करके राजनीति की उनकी एक ये बनाना चाहते हैं, वर्चस्व बनाना चाहते हैं। तो और कुछ लोगों ने कुछ शायद ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि भाई हम महाराज को सपोर्ट करेंगे। मैं कहती हूँ कि देश के विरोध में जो काम करता है वो भी देशद्रोही होता है, और किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म के विरोध में जो काम करता है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू है, दलित हो, अन्य कोई भी समुदाय हो, वो हर एक व्यक्ति इस देश का देशद्रोही है जो इस प्रकार की घटनाएं या वक्तव्य करता है। Thank you.
हूँ।